नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया और मैं हूं आपके साथ काविंद्र चौहान। राइट टू फ्रीडम, राइट टू स्पीच की तरह एक और राइट है जिसके बारे में नागरिकों को कम पता रहता है और ज्यादा जानने की जरूरत रहती है, वो होता है राइट टू इन्फॉर्मेशन। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक ऐसा राइट है जिसके जरिए सरकार के सभी दस्तावेजों को उनके नागरिकों के सामने खोल कर रख दिया गया। ये ऐसा राइट आपको दिया गया है। इस पर ज़्यादा जानने के लिए, तमाम जानकारियां देने के लिए मेरे साथ आज खुद मौजूद हैं राज्य सूचना आयोग के कमिश्नर JP मंगई साहब। सब बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस प्रोग्राम में। सर, आप इंडियन रेवेन्यू सर्विस में रहे, इसके बाद आज आप सूचना आयोग में हैं। सर, कैसे आना हुआ और सफ़र कैसा रहा, अनुभव के बारे में बताइए। मैंने अपना करियर स्टार्ट किया एज ए इंजीनियर बल्लारपुर इंडस्ट्रीज से, और उसके बाद फिर इंडियन रेवेन्यू सर्विस कस्टम्स एक्साइज में आया। वहाँ पर करीब करीब 38 साल सेवा की और 2016 में मैं रिटायर हुआ आयुक्त के पद से वहाँ, और 18 से यहाँ पर राज्य सूचना आयुक्त हूँ। मेरा बैकग्राउंड इंजीनियरिंग का है, लेकिन उसके बाद रेवेन्यू सर्विसेज और फिर अभी यहाँ। सर, जैसे कि तमाम अधिकार होते हैं, राइट टू फ्रीडम है, राइट टू स्पीच है, इसके अलावा भी जो अधिकार दिए जाते हैं नागरिकों को, उसके बारे में खूब पता होता है, खूब जानकारी होती है, लेकिन राइट टू इन्फॉर्मेशन के बारे में कुछ लोग जानते हैं और कई लोग हैं जो नहीं जानते। सर, ये राइट टू इन्फॉर्मेशन है क्या, इसके बारे में आप ब्रीफ करके बताइए। देखिए, राइट टू इन्फॉर्मेशन के जो मदर है वो अनुच्छेद 19 संविधान का है, जो कि राइट टू फ्रीडम एंड स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। ये इसका बेसिक है और इसी से इसकी उत्पत्ति हुई है। पूरे संसार में सबसे पहले जो राइट टू इन्फॉर्मेशन है, अब कल्पना कीजिए कि अब चाइना में हुआ था, टैंग डायनेस्टी थी, 6027 ईस्वी थी, और उस वहाँ, आज जबकि वहाँ कम्युनिस्ट है, वहाँ सब कुछ छुपा हुआ है, लेकिन स्टार्ट वहाँ से हुआ। और उसके बाद सबसे पहले 1766 ईस्वी में ये फ्रीडम ऑफ प्रेस एक्ट ये स्वीडन में पारित हुआ, वहाँ तब से है ये इसके बैकग्राउंड है। और इसके फिर UNO में भी इसकी चर्चा हुई अंतर्राष्ट्रीय उस पर, और चूंकि भारत उसका सिग्नेटरी है तो वहाँ पर भी उनको राइट टू फ्रीडम, राइट टू स्पीच, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच, वहाँ भी एक प्रस्ताव पारित हुआ। तो चूँकि हम सेक्रेटरी थे तो इसलिए वहाँ पर भी हमारा ये दायित्व है कि हम इसको इम्प्लीमेंट करें। फिर क्या हुआ कि 1990 में ये अरुणा रॉय के नेतृत्व में ये इन्होंने मजदूर किसान शक्ति संगठन इन्होंने राजस्थान में एक किया, स्टार्ट किया सबसे पहले, और इसकी पहली मीटिंग जो थी वो थी 2 दिसंबर 1994 को कोट किराना एक जगह है राजस्थान में, वहाँ पर हुई। पहला आंदोलन जो है इसके लिए तब हुआ जिसमें वो गांव में पंचायती राज को लेके था, उसमें 4 बिंदु मुख्य थे। उसमें एक था कि पंचायती राज्यों में राज्य के कार्यकारों में पारदर्शिता, अधिकारों की जवाबदारी, सोशल ऑडिट और शिकायतों के निराकरण। ये हिंदुस्तान में जो मैंने जो पहले बताया, लेकिन ये असल यहाँ से स्टार्ट हुआ सारा काम। पहला जो मूवमेंट जो है, जिसकी चिंगारी है, यहाँ से स्टार्ट हुई। उसके बाद नेशनल जो डेवलपमेंट एडवाइजरी काउंसिल है वहाँ ये इस पर चर्चा हुई, और उसके बाद उन्होंने एक इसका प्रारूप बनाया जिसमें ये था कि 25,000 तक 5,000 रुपये इसमें पेनल्टी और 5 साल की सज़ा का प्रावधान था। जब ये प्रस्ताव आया तो उन्होंने कहा साहब, ये तो 5 साल की सज़ा तो जो उस समय के जो नीति वाले थे उन्होंने कहा ये ज़्यादा है, तो ये 5 साल की सज़ा का प्रावधान हटा दिया गया। और उसके बाद आया 2005 में 15/6/2005 को द फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट, ये पहले 2002 से 2003 तक आया था, ये फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002, ये 2003 में लागू हुआ। ये पहले जो राजस्थान में हुई थी वहाँ यहाँ स्टार्ट हुआ। फिर उसके बाद इसको दोबारा जो है नेशनल इंफॉर्मेशन राष्ट्रीय सलाहकार जो काउंसिल होती है उन्होंने फिर ये इसका इजाद किया, ये राइट टू इन्फॉर्मेशन 2005 में आया, और ये 15 जून
2005 को संसद में इसके पारित हुआ और 6 महीने का इसमें समय दिया गया इसके लिए इम्प्लीमेंट करने के लिए, ठीक है ना। तो इसलिए 12 अक्टूबर को फिर इसकी इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट हुआ। ये इसका ये है, ये एक्चुअली 2005 वाला ये बहुत ही बढ़िया एक्ट है। 2005 का जो इन्फॉर्मेशन एक्ट है ये वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्ट ऑफ इंडिया, वो इसलिए कि इसमें सिर्फ 31 धाराएं हैं और तकरीबन 11,000 शब्द हैं और ये इतना बढ़िया एक्ट है, जैसे कहते हैं सागर गागर में सागर, सब कुछ इसमें है। छोटा सा एक्ट है, उसमें भी सिर्फ जो 29, 30, 31 है वो रेलेवेंट नहीं है आज के टाइम से। संशोधन किए गए सर टाइम टू टाइम इसमें? संशोधन नहीं, संशोधन सिर्फ एक बार हुआ है, संशोधन भी नहीं हुआ। अभी जो रिसेंटली आपने सुना भी होगा पार्लियामेंट में, उसमें सिर्फ जो जो आयुक्तों के नियुक्ति संबंधी है कि जो पहले 5 साल की अवधि थी, बाकी सब चीज़ें समान है, वो 3 साल कर दी गई है। पहले 5 साल की थी ये, अब वो 3 साल कर दी या 65 साल, जो भी ज़्यादा हो, जो भी कम हो इसमें से। मतलब अगर 3 साल है और 65 साल है तो जैसे ये पूरा होता है तो ये अवधि है इसकी। कितनी दिलचस्प जानकारी अभी आपने हमको दी कि कम्युनिस्ट कंट्री से, जो कम्युनिस्ट कंट्री है उससे इसकी शुरुआत हुई, चाइना से। जी बिल्कुल, बहुत दिलचस्प। टैंग डायनेस्टी 6वीं शताब्दी। बिल्कुल जी। ये बताइए, ये जो RTI है, राइट टू इन्फॉर्मेशन जो है, ये राज्यों में अलग अलग होता है या फिर केंद्र से ऑपरेशन जो है इसका, ऑपरेशनल जो एक्टिविटीज हैं वो केंद्र से की जाती हैं या फिर राज्यों का अपना अलग अलग सिस्टम है? ऐसा है कि ये है तो ये सेंट्रल एक्ट पार्लियामेंट का, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट, इसको सेंट्रल एक्ट है जिसके पूरे हिंदुस्तान में इम्प्लीमेंट होना था, सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर के, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर में उनका अलग एक्ट था, वहाँ ये एप्लीकेबल नहीं था, उनका अलग एक्ट था। लेकिन जब से ये यूनियन टेरिटरी बनी है तो वो भी अब राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 के अंडर आ गया है, नंबर वन। नंबर टू, आपने पूछा कि राज्यों में, तो इसमें दो जो केंद्र सरकार के संस्थान हैं या उनके केंद्र सरकार के खुद के कार्यालय हैं या उनके जो संस्थान हैं, उनके लिए केंद्रीय सूचना आयोग है, वो दिल्ली स्थित है। ओके। और उसके हिंदुस्तान भर के जितने केंद्र सरकार के संस्थाएँ या संस्थान हैं या सरकार खुद है, उनके जो अनुरोध पत्र हैं वो उन सूचना अधिकार अधिनियम, वहाँ से जो द्वितीय अपील है वो वहाँ होती है। और जो राज्य सरकारें हैं उनके अपने अपने आयोग हैं, जैसे उत्तराखंड का ही उत्तराखंड सूचना आयोग है, इसी तरह हर राज्य का अलग अलग अपना आयोग है। और आयोग में व्यवस्था ये है कि इसमें 10 आयुक्त हो सकते हैं, काम के हिसाब से, जितना कार्य होगा उसके हिसाब से वो एक्ट में प्रावधान है कि कितने कर सकते हैं आप। तो अपने हर राज्य जो है अपने सुविधा अनुसार, कितना उनके पास पेंडेंसी है, कितना काम है, उसके हिसाब से आयुक्त रखते हैं। देखिए, आप कमिश्नर हैं, ये बताइए सर कि एक आम आदमी है, एक आम नागरिक है, वो कोई दस्तावेज जानना चाहता है, वो जानना चाहता है कि सरकार में जो उसका मंत्री है उसके पास कितनी संपत्ति है, कितनी उसके पास प्रॉपर्टी है, कुछ भी वो जानना चाहता है, डिटेल्स निकालना चाहता है, प्रोसीजर क्या होता है, शुरुआत कैसे होती है, कहाँ तक लिमिटेड होता है, टाइम दिया जाता है या फिर क्या है सर? देखिए, ऐसा मैं आपको सबसे पहले प्रीएम्बल समझिए कि है क्यों है ये। प्रीएम्बल इसका ये है कि इस एक्ट का जो है इसमें पारदर्शिता, उत्तरदायित्व और सरकारों का फंक्शनिंग का उच्च कार्य पद्धति और इसमें भ्रष्टाचार, इस पर रोक लगाना बेसिकली इसका ऑब्जेक्टिव है। अब इस ऑब्जेक्टिव के लिए इन्होंने अलग अलग धाराएं दे रखी हैं कि कैसे इसको, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये सूचना वही दी जा सकती है जो कि इनके कागजों में, इनके फाइलों में, अभिलेखों में धारित हो। किसी के वर्बल कही हुई बात और वो आप मांग लें तो वो नहीं हो सकती, ये डॉक्यूमेंटेड होनी चाहिए, धारित होनी चाहिए, रखा इसका होना चाहिए, कागज अस्तित्व में होना चाहिए। अस्तित्व में नहीं तो दी नहीं जा सकती, संभव नहीं है, तो ये आवश्यक है इसका धारा दो। और आप इसमें इंस्पेक्ट भी कर सकते हैं, अभिलेखों को इंस्पेक्ट भी, इनकी फाइलें के, उनके नोटशीट सब आप इंस्पेक्ट कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव ये है कि पहले जब तक ये नहीं था तो ब्यूरोक्रेसी में क्या होता था, जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लगाकर वो नहीं देते थे, सभी नहीं दी जाती, ये गोपनीय है, ये एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंशियल। अब ऐसी कोई बात नहीं है, आप पूरी फाइल का
नोट शीट से लेके मतलब फ्रॉम लास्ट पेज का अपने घर में बैठ के पूरी फाइल मंगा सकते हैं, ये प्रावधान है 30 दिन का। अब उसमें ऐसा है कि आपने पहले अनुरोध पत्र लगाया वो धारा 6 में, धारा 7 में फिर वो उनको 30 दिन के अंदर आपको ये सूचना देनी है, या उस सूचना दिन अगर आपने बहुत ज़्यादा आपने सूचना मांगी है तो वो अतिरिक्त शुल्क 10 रुपये का इसमें शुल्क लगाना पड़ता है, और उसके वो अतिरिक्त शुल्क के लिए जो वो आपको 2 रुपये निर्धारित है, 2 रुपये पर प्रति कॉपी के हिसाब से वो आपको सूचित करेगा कि ये आपने इतना जब पैसा जमा कराना है। वो बेसिकली ये है कि वो उसकी कॉस्ट है, फोटोकॉपिंग कॉस्ट 2 रुपये प्रति पृष्ठ, और बड़ा है तो एक्चुअल कॉस्ट, CD में भी मांग सकते हैं हम, तो घर बैठे बैठे आप घर बैठे जो है पूरी फाइल मंगा सकते हैं। ऑनलाइन प्रक्रिया होगी, ऑनलाइन भी है, ऑनलाइन अब धीरे धीरे हो रही, लेकिन अदरवाइज तो वैसे भेजते हैं, तो आपको अतिरिक्त शुल्क जैसे आप जमा कराएंगे वो 30 दिन के अंदर अतिरिक्त शुल्क जितने देर मांगा वो उतना एक्सक्लूड कर देना है, और उसके अलावा फिर 30 दिन में आपको ये सूचना प्रेषित कर देंगे जो लोक सूचना अधिकारी होता। आप अपील में जा सकते हैं, प्रथम अपील उससे सीनियर ऑफिसर के पास, उसके बाद द्वितीय अपील यहाँ आयोग में होती है कि साहब हमने मांगा था ये नहीं मिला, ये जो भी आपकी आपत्तियाँ वो उसका निराकरण आयोग से होता है, ये इसमें वो है। अब इसमें क्या है कि कुछ सूचनाएं जो नितांत व्यक्तिगत सूचनाएं वो नहीं दी जानी है, उसी एक धारा 8 है, राइट टू इन्फॉर्मेशन, राइट टू प्राइवेसी के आड़े तो नहीं आता, क्वाइट राइट, उसमें 3 है ना, इसी देखिए राइट टू प्राइवेसी भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना राइट टू इन्फॉर्मेशन, एग्जैक्टली, तो आपने ठीक पकड़ा इसको, तो उसमें जो है ये धारा 8 और 9 ये 2 धाराएं हैं जिसमें व्यक्तिगत सूचनाएं नहीं दी जानी है भले ही धारित हो, और अगर लोकहित ज़्यादा है और देनी है तो वो तृतीय पक्ष को आपने एक नोटिस देना है कि आपके बारे में सूचना मांगे दें या ना दें, सपोज वो कहता है कि नहीं, फिर आपको गुणदोष के आधार पर डिसाइड करना है कि देना है या नहीं देना। मेरे पास कितना धन है मैं ये पब्लिक नहीं करना चाहता, नहीं धन का तो ऐसा है वो तो आपकी बहुत ही व्यक्तिगत सूचना, बिल्कुल, जैसे इनकम टैक्स रिटर्न है वो तो एक्ट में ही लिखा हुआ कि नहीं देना है, हाँ बिल्कुल, क्योंकि बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट के जो जो बिजनेस वाली जो बाय एक्ट जो है कॉन्फिडेंशियल है जी, वो नहीं देना है आपको, तो इस तरह से ये कुछ 8 और 9 धाराएं हैं वो उसमें। अब जैसे फॉर इस ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट था, तो अब सारी एक्ट में अगर कोई सूचना अधिकार अधिनियम का ओवरराइडिंग इफेक्ट है, अध्यारोही इफेक्ट कहते हैं उसको, कि अगर हमने उसको डिसाइड कर लिया इसमें लोकहित ज़्यादा है तो हम वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में हम आदेश कर सकते हैं कि नहीं ये दी जाए क्योंकि इसमें लोकहित ज़्यादा है। अच्छा, अपील की आपने बात की, अपील का राज्य स्तर तक अपील है, यहाँ से भी अगर मुझे आगे अपील करनी है? अपील नहीं है फिर, ये नो कोर्ट कैन इंटरफेयर इन द डिसीजन, ये इसकी सिर्फ जो है हाई कोर्ट में हो सकती है, हाई कोर्ट में सिर्फ, हाँ, और कोई कोर्ट एंटरटेन नहीं कर सकता, बाय एक्ट है इसमें। ओके ओके जी सर, ये बताइए लोकसभा में अभी सूचना अधिनियम को लेकर कुछ पारित हुआ था, क्या कुछ था वो सर, ये क्या चेंजेस आए, क्या बदलाव? ये चेंजेस यही था कि जिसमें हो हल्ला काफी हुआ था, इसमें ये है कि सिर्फ उसने और कुछ बदलाव नहीं है, इतना ही बदलाव है कि जो आयुक्तों की नियुक्ति जो पहले 5 साल की होती थी वो अब 3 साल की कर दी गई है, मोटा मोटा इतना ही है बस, और कुछ ज़्यादा परिवर्तन नहीं है। अच्छा, अब सर ये बताइए, आप कई साल भी हो चुके हैं आपको इसमें, अनुभव कैसा रहा, इसके साथ क्या अटैच है कि लोगों की मदद होती है दरअसल, ग्राउंड में आपको दिखता है कि लोगों को इससे फ़ायदा मिला ऐसा कुछ? बहुत, इससे मैं हमारा तजुर्बा हमारा एक्सपीरियंस भी है, खास करके इस राज्य में क्योंकि पहाड़ी राज्य है, बिल्कुल, तो जो दूर दराज के लोग हैं उनको तो उनको बहुत सुविधा मिलती है जो आते हैं, तो उनके कईयों के काम हो जाते हैं, रुके हुए काम हो जाते हैं, ये तो हुआ है, और उसमें तमाम किस्म की इंफॉर्मेशन लोग मांगते हैं। अब जो जिले स्तर पे अलग पंचायती राज में बहुत सारे काम होते हैं, तो अलग अलग जितने काम हैं तो जैसे उन्हें सूचना लगे तो उनका काम बहुत जल्दी हो जाता है, फिर ये अधिकारी भी डरता है कि मेरे से सूचना मांग लिया, डिले क्यों हुआ उसको कारण मांग लेते हैं, तो चूँकि इसका पर्पज ही उत्तरदायित्व वो करना है तो इसलिए लोगों को काम होता है, और हम लोगों को बड़ा सेटिस्फाई संतोष है इसका कि इसका काफ़ी लोगों को इसका फायदा होता है, फायदा मिल रहा है। सर आप तो तमाम RTI आपके पास आती होंगे, आप देखते भी होंगे, किस तरह की सबसे ज़्यादा RTIs आती हैं सर, किस तरह के लोग ज़्यादा जानकारी लेना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन किस तरीके की ज़्यादा पूछते हैं? गाँव के स्तर पर तो ये होता है कि उनके गाँव के काम, जो कोई नाली है, खड़ंजा है, ये है, खेत है, बागवानी है,
हर विषय पे, जो भी डेवलपमेंट संबंधी सभी सभी विषय पे बात की है। कोई नूप पूल है, कोई जमीन संबंधी है, वो सब किस्म के इसमें आते हैं इंफॉर्मेशन। ओके सर। और वो किसी के खुद की जमीन खुद की समस्या है कुछ, पुलिस की संबंधी है, राजस्व संबंधी है, जो भी डेवलपमेंट के इंडाइसेस हैं उससे संबंधित सभी आ जाती है। बीते कुछ सालों में सर आरटीआई एक्टिविस्ट ज़्यादा देखे जाते हैं जी, ये नागरिक टू नागरिक कानून होकर इसके एक्टिविस्ट कैसे बन जाते हैं? अब वो है, सब लोग कोई लगाना चाहता है, कुछ संस्थाएं बनाई हुई हैं, एक्टिविस्ट लिख देते हैं, पर ऐसा कोई किसने डिजिग्नेट किया वो थोड़ी है, वो तो सेल्फ डिजिग्नेटेड एक्टिविस्ट है, और चूंकि वो नागरिक भी हैं इसलिए उनको अधिकार है लेने का, वो नागरिक भी तो हैं। एक्टिविस्ट तो चलो उन्होंने खुद लिख दिया, कोई अपना सरनेम लिख दिया, वो आगे जैसे सरनेम होता है या तकल्लुस जिसको कहते हैं वो करते हैं, लेकिन वो नागरिक है। हर जो एक्ट में ये है कि हर नागरिक ले सकता है, कोई भी नागरिक ले सकता है सर, और कितने भी ले सकता है, उसमें कोई लिमिट नहीं है। सर ये बताइए, जैसे अगर केंद्र सरकार के मंत्रालय से मैं कुछ दस्तावेज जानना चाहता हूँ, मैं उनकी कुछ एक्टिविटीज जानना चाहता हूँ, इसके लिए राज्य आयोग में जाना पड़ेगा? केंद्र के केंद्र में जाना मैंने पड़ेगा। आपको पहले ही बताया है कि जो केंद्र संबंधी, चाहे उनके पीएसयूज हो या गवर्नमेंट खुद हो, उनसे संबंधित सूचना है वो आपको केंद्र के अधिकारी उनका पीआईओ से करना पड़ेगा। पीआईओ मतलब जो उनका जो लोक सूचना अधिकारी है और प्रथम अपीलीय अधिकारी उससे ऊपर वाला। अगर सर कोई व्यक्ति है वो अधिकारी की ही सूचना जानना चाहता है, उसके बारे में ही इन्फॉर्मेशन लेना चाहता है, हाँ। तो फिर उसको कौन मॉडरेट करेगा? मैं वो बताता हूँ। सपोज आपने लोक सूचना अधिकारी की ही सूचना मांगी, बिल्कुल की यही पॉइंट, उसने तो सूचना वो देनी है ना जो धारित है, हाँ। वो तो छुपा नहीं सकता, वो खुद के बारे में उसने पर्सनल तो बताना नहीं है, वो तो भाई वो तो कोई भी हो सकता है, उसने तो वो अपनी वाली फाइल निकालनी है या आपने मांगे और फाइल में लिखा होना चाहिए, निर्धारित होनी चाहिए, वो आपने उसको उसने भेज दी। लेकिन अगर आपको ऑब्जेक्शन है तो जो आप फर्स्ट अपील कर सकते हैं कि मैं इन्हीं की मांग रहा हूँ, तो आप पहले अपील कर सकते हैं उसके सीनियर को, वो वेबसाइट पे हर एक के पीआईओ कौन है और इनका फर्स्ट अपील कौन है, वो वेबसाइट पे हर एक की सूचना अवेलेबल है, तो आप कर सकते हैं कि मैं इन्हीं की मांग रहा हूँ, तो आप मेरे मामले में किसी और दूसरे पीआईओ को नियुक्त कर दें। ये फर्स्ट अपील में हो सकता है, नहीं तो हम कर सकते हैं आयोग में कर सकते हैं। सर तमाम जो राइट्स दिए गए हैं, एक राइट टू लाइफ हो गया, राइट टू एजुकेशन हो गया, राइट टू फ्रीडम, राइट टू स्पीच हो गया, राइट टू इन्फॉर्मेशन भी दिया गया है, लेकिन ऊपर ऊपर के लोगों को इसकी नॉलेज है। कई लोग ऐसे हैं सर जिनको इसकी नॉलेज ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि वो क्या, उनके पास एक ऐसा अधिकार है जो उनको बता सकता है कि उनका प्रधान जो है कितना पैसा उसको अलॉट किया गया था, उसने क्या क्या विकास कराया। जी, जी। तो ऐसे मामलों में ये राइट टू इन्फॉर्मेशन जो है लोगों में कमी क्यों है, जागरूकता की कमी क्यों है इस एक्ट को लेकर, इस राइट को लेकर? ऐसा तो नहीं है, आजकल तो यहाँ उत्तराखंड में तो काफ़ी जागरूक हैं, पर इसके साथ साथ ट्रेनिंग होती रहती है हम लोगों को। ये वॉलंटियर्स हैं आपके जो जानकारी देते हैं? हाँ, नहीं, ये सतत हम लोग करते हैं। ओके। हर जिले में जाके किसी मेलों में यहाँ ये लिटरेचर बांटते हैं, और राज्य सरकार भी अपनी ओर से ये इसका वो करती रहती है, ऑर्गेनाइज एकेडमी में करते हैं जो, और साथ में हर विभाग अपनी समीक्षा भी करता रहता है। बिल्कुल सर, क्योंकि बेसिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट राइट है, क्योंकि इससे भ्रष्टाचार में भी बहुत लगाम लगाने में बहुत मदद मिल सकती है, कि जब आप जनता है, नागरिक है, जब वो खुद ही सब देख रहा है, सब पर नजर रख रहा है, तो इससे काफी मदद मिल सकती है। सर नेक्स्ट पॉइंट ये है कि राज्य सरकार में अभी आप यहाँ पर देखते हैं चीजों को, ये बताइए सर जो आपके पास आरटीआईज आती हैं, उन आरटीआईज पर अभी तक आपने कोई भी ऐसी आरटीआई देखी जिस पर इंफॉर्मेशन आप प्रोवाइड ना करा पाए हो, जिस पर आप ना दे पाए हो? नहीं, ऐसी तो कोई नहीं है अब तक, क्योंकि वो क्योंकि कई दफा पेनल्टी का प्रावधान है। पेनल्टी जो है उसकी 25,000 रुपये व्यक्तिगत पेनल्टी होती, एक। नंबर दो, इसमें क्षतिपूर्ति का भी है, सपोज आप सूचना नहीं दी और उसने कोई क्षति हो गई उसको या सही समय से नहीं दिया, और उसकी लिमिट नहीं है कोई। फिर इसमें अपील भी है और शिकायत भी कर सकते हैं, इसमें शिकायत भी हो सकती है और अपील भी हो सकती है सेकंड आयोग के स्तर पर, क्योंकि 30 डेज टाइम कम नहीं लगता सर? नहीं, पर वो टाइम मांग लेते हैं, मतलब वो जैसे उन्होंने अतिरिक्त शुल्क के लिए नहीं, क्यों कम क्यों है,
बहुत सफिशियंट है। आपके तो धारित सूचना की फोटोकॉपी तो करानी है, उसमें क्या है, कुछ आपने कुछ करना थोड़ी है। सर विभागों से जानकारियां लेना फिर मुहैया कराना तो उसमें नहीं, अगर किसी और विभाग की है तो उसको अंतरित करने का प्रावधान है, उसको आप भेजते हैं, वो अपने आप में लोक सूचना अधिकारी हो जाता है, तो 30 दिन वहाँ मिल जाते हैं। हाँ जी, तो आने वाले समय में सर क्या देखते हैं, राइट टू इन्फॉर्मेशन लोगों को किस तरीके से? ये तो खूब बढ़ेगा और ये अच्छा है, ये राज्य के लिए देश के लिए बहुत ही अच्छा है सर। लोगों को एम्पावर होते हैं इससे, और इससे ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी जिसकी जो पर्पज है, इंटेंडेड पर्पज है, उसको वो मीट करता है सर। क्योंकि देखिए कोई भी विभाग होता है उसमें ट्रांसपेरेंसी एक बड़ा मसला होता है। आप आयोग में आते हैं, सूचना आयोग में आप हैं, आपको क्या लगता है ट्रांसपेरेंसी यहाँ पर उसको देखते हुए? ठीक हो रही है, बाकी इसमें और भी प्रावधान है, इनको ऑलरेडी एक धारा 4 है उसमें इनको वेबसाइट पे अपने होस्ट करना है, कई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो वहीं से मिल जाती है, वेबसाइट पे होस्ट करना है। 17-18 पॉइंट है उसमें कि ये किसकी तनख्वाह कितनी है, क्या काम हुए, क्या फंड हुए, वो सारी डिटेल इनके। इसकी ट्रांसपेरेंसी पे कौन नज़र रखती है सर? मैं आपके ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी जो है इस आयोग की, उस पर कौन नज़र रखता है सर? आयोग की, आयोग तो अपने आप में इसी का आयोग तो बना ही इसके लिए। अच्छा सर, हाँ। आपके ऊपर कोई है जो आप रखता हो? नहीं, ये तो इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, वी आर नॉट पार्ट ऑफ गवर्नमेंट। ओके ओके सर, हम लोग सरकार के पार्ट नहीं है, हम सरकार के कार्यों की मतलब जो थ्रू RTI एक्ट जो है, हम उसकी समीक्षा, हम मतलब रेफरी है, पर्यवेक्षक है, और उसमें कार्रवाई भी करते हैं। ब्रिज है आप? हाँ, ब्रिज तो नहीं कहिए क्योंकि इंडिपेंडेंट संस्था है, और ये वो जो RTI के माध्यम से जो उनको, क्योंकि इसमें लोक सेवकों पे पेनल्टी भी होती है उसका, अच्छा उनके जो सर्विस रिकॉर्ड, उनके लिए हम एक्शन भी कर सकते हैं कि सर्विस रूल में इन पे इन्होंने नहीं करा है, तो लोक सेवक तो हमेशा डरेगा ना। बिल्कुल, कि भाई इसकी एक तो खुद की पेनल्टी जो व्यक्तिगत देनी है, सरकार थोड़ी देती है, एक दूसरा उसके जो डिसिप्लिनरी एक्शन हो सकता है, उसके रिकमेंडेशन की पावर है यहाँ, तो इस दो बातों से तो इसलिए सूचना, अच्छा किसी का व्यक्तिगत, क्योंकि लोक सूचना अधिकारी जो है वो एक अधिकारी है कोई, वो क्यों अपने ऊपर लेगा, वो तो जो धारित सूचना है एजिटेज दे देगा, उसको क्या ले, उसका व्यक्तिगत कोई इंटरेस्ट हो ही नहीं सकता। जी सर, अभी जो आपने सूचना आयोग में आप हैं, अभी जो RTI चल रहा है, आपको क्या लगता है, ज़रूर बताइएगा कि क्या चेंजेस होने चाहिए जिससे और बढ़िया हो सकता है? ये अपने आप में कंप्लीट एक्ट है, इसमें बहुत ज़्यादा गुंजाइश नहीं है, खुद ये सक्षम है, कहीं भी कुछ नज़र नहीं आता कोई लूप होल, आपको लगता हो कि इसमें बदलाव हो सके तो और ज़्यादा बेहतर हो सके? देखिए वैसे तो हर चीज़ कोई स्टैटिक तो रहती, तो जैसे जैसे तजुर्बा होगा धीरे धीरे, अभी तो यंग एक्ट है, अभी तो CRPC ने IPC जो 1898 और वो उसके बने हुए थे, उसमें धीरे धीरे कुछ ना कुछ होते थे, तो स्टैटिकली तो सारा डायनेमिक है, जैसे जैसे आएगा तो वैसे चल, लेकिन अभी तक ये पर्याप्त है, इसको पहले सिंक इन होने दीजिए, इसी कोई एक्ट को पहले उसकी मैच्योरिटी आ जाए। तो अभी तो ये 2015 साल हुए हैं, 2005 से इम्प्लीमेंट हुआ है अक्टूबर से, तो 15-16 साल हुए हैं, अब धीरे धीरे लोग बाग, पहले तो 5 साल तक तो किसी को जानकारी नहीं थी, अब काफ़ी कुछ जानकारी हो गई है और जागरूक हो गए लोग। अभी तक इसको, इसमें अभी तक कोई बेसिक प्रॉब्लम नहीं है सर। 5 अगस्त 2019 जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाई जाती है, 35 से हटाई जाती है, यूनियन टेरिटरी बना दिया जाता है लद्दाख और जम्मू कश्मीर। सर ये बताइए फिर वहाँ पर, आपने जैसा कि पहले बताया केवल वहाँ पर RTI नहीं था, तो उसके बाद अब वहाँ पर RTI लागू नहीं था, ऐसा नहीं कहा मैंने, वहाँ उनका एक्ट था RTI, हाँ, उनका खुद का, बट ये 2005 वाले एक्ट से वो इंप्लीमेंट नहीं होता था, उनका अपने एक्ट था, वहाँ तो अलग थे ना, अलग सर, तो अब लेकिन अब हो गया है उसके बाद से, अब लागू है सर। हाँ, हाँ, अब बाकी आम राज्यों की तरह जम्मू कश्मीर में भी आप इन्फॉर्मेशन चाहें तो ले सकते हैं। श्योर श्योर, ले रहे हैं, खूब ले रहे हैं लोग। ओके सर, अखबारों में भी आते रहते हैं। तो ये थे हमारे साथ JP ममगई साहब, सूचना आयुक्त हैं उत्तराखंड से, इन्होंने हमें तमाम जानकारियाँ दी, तमाम बातें बताई कि किस तरीके से आपका जो अधिकार है वो आप उसको ले सकते हैं, आपके अधिकार में क्या कुछ है, कैसे आप एक आम नागरिक भी कैसे सरकार के दस्तावेजों के बारे में जान सकता है, वो ये कैसे जान सकता है कि उसका प्रधान जो है कितना पैसा अलॉट हुआ है, वो किस तरीके से काम करवा रहा है, वो कैसे जान सकता है कि उसका विधायक जो है वो उसके लिए क्या काम कर रहा है, तमाम जानकारियाँ वो अपने लिए ले सकता है। ये बाकी राइट्स की तरह उतना ही इंपॉर्टेंट है और उतना ही यूज़फुल है, तो इस पर हमारी मदद करने के लिए सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिएगा न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। धन्यवाद।